आजकल एग्जाम में ना प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत पूछे जा रहे हैं, और स्पीकिंग में तो पूछो मत कितना पूछा जा रहा है। आपको अंग्रेजी बोलना है ना, बोलना चाहते हो ना, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में दे रहा हूं, इसको बिल्कुल याद कर जाओ, हमेशा काम आएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बोलने में, राइटिंग में, स्पीकिंग में हर जगह काम आता है, और एग्जाम में, क्लोज टेस्ट में, हर जगह फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉमन में, हर जगह काम आता है। तो मैं आपको आज बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज याद करवा रहा हूं, एक एक कर देखिए और बोलने का प्रयास करिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैला दीजिए पूरे भारत में सब्सक्राइब करके, और हर जगह शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं, पहला वर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से। अब की ओर से का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं सभी छात्रों की ओर से आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं, तो की ओर से का मतलब हुआ ऑन बिहाफ ऑफ। की ओर से का मतलब हुआ उसके बदले में या उसके तरफ से, आप उसके तरफ से भी कह सकते हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो सभी छात्रों की ओर से मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब हुआ की ओर से। अगला वर्ड है बाय डिंट ऑफ। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के द्वारा। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब के द्वारा। अब के द्वारा क्या होता है भाई, एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं क्रिया को अपनी मेहनत के द्वारा नौकरी मिली, अपनी मेहनत के बल पर नौकरी लगी। तो बाय डिंट ऑफ के द्वारा या के बल पर या के माध्यम से। तो रिया गॉट द जॉब बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क। तो रिया गॉट द जॉब बाय डिंट ऑफ हर हार्ड वर्क। तो रिया को जो है अपनी मेहनत के द्वारा नौकरी मिली। याद कर रहे हो मेरे साथ। अगला देखो, इन लिव ऑफ के बदले में। इन लिव ऑफ के बदले में इतना इंपॉर्टेंट है, बस याद कर लो। इन लिव ऑफ के बदले में श्रेया गेव द मनी इन लिव ऑफ राधिका। यानी श्रेया ने राधिका के बदले में पैसे दिए। आराम से देखिए, श्रेया गेव द मनी इन लिव ऑफ राधिका। श्रेया ने राधिका के बदले में पैसे दिए। यानी इन लिव ऑफ का मतलब हुआ के बदले में। अगला वर्ड है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से। आना बीमार होने के कारण वह पास नहीं हो सका। तो ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट पास। ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट पास। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से, बीमार होने के कारण वो पास नहीं हो सका। ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट पास। तो ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से, याद कर रहे हो सब लोग। इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। माई फादर, एग्जाम्पल देखिए, माई फादर हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ बींग इल। मेरे पिता ने बीमार होने के बावजूद मेरी मदद की। माई फादर हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ बींग इल। यानी इन स्पाइट ऑफ का मतलब हुआ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बदले में डिस्पाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों सेम वर्ड होता है। इन स्पाइट ऑफ बोलो चाहे डिस्पाइट बोलो। अगला वर्ड है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, छठा वर्ड देखो, फॉन्ड ऑफ, एफ ओ एन डी है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज की चाहत रखना, किसी चीज का पूरा शौक रखना, फॉन्ड ऑफ कहलाता है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ही इज फॉन्ड ऑफ इटिंग मील। ही इज फॉन्ड ऑफ, तो जितना मन करे किसी भी चीज का शौकीन हो तो आप कह सकते हो ही इज फॉन्ड ऑफ इटिंग मीट। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ही इज फॉन्ड ऑफ, तो किसी भी चीज का शौकीन होना को हम फॉन्ड ऑफ बोलते हैं। यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। ही इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। यू आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग। तो जितना मर्जी करे उतना बोल सकते हो। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब के शौकीन होना, वह किताबें पढ़ने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अगला वर्ड है लाफ एट। लाफ एट का मतलब होता है हंसना। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। लाफ एट, हंसना। तो हंसना किस पर? दूसरों पर हंसना। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। लाफ का मतलब हंसना, अगर एट लगा दिया तो हो गया दूसरों पर। तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमें दूसरों पर नहीं हंसना
चाहिए। आठवां वर्ड देखिए, अबस्टेन फ्रॉम। अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना। आप किसी से परहेज करते हैं, कोई दारू पीने से परहेज करता है, कोई सिगरेट पीने से परहेज करता है, तो बचना। अबस्टेन मतलब बचना। ही मस्ट अबस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू मस्ट अबस्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो अबस्टेन फ्रॉम मतलब बचना, परहेज करना, उसे धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। ही मस्ट abstain from smoking, you should abstain from drinking, you should abstain from laughing। तो जिस चीज से परहेज करना हो उसको बोलते हैं abstain from। 9 नंबर देखो, in favor of, के पक्ष में। in favor of के पक्ष में। he is not in favor of seeing movies, वो मूवी देखने के पक्ष में नहीं है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वॉचिंग मूवीज, मैं मूवी देखने के पक्ष में नहीं हूँ। तो ही इज नॉट इन फेवर ऑफ वॉचिंग मूवीज, सीइंग मूवीज, वो फिल्म देखने के पक्ष में नहीं है। तो इन फेवर ऑफ का मतलब के पक्ष में। आई एम नॉट स्पीकिंग इन फेवर ऑफ यू, मैं तुम्हारे पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। लास्ट वर्ड इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के बदले में। इंस्टेड ऑफ के बदले में या के बजाय। मैंने सूट के बजाय एक साड़ी खरीदी, तो आई बॉट अ साड़ी इंस्टेड ऑफ अ सूट। आई बॉट अ सूट इंस्टेड ऑफ अ साड़ी। तो आप जितना मर्जी जिस चीज़ के बदले में जो आप काम करते हैं उसको हम बोलते हैं की बजाय। तो इंस्टेड ऑफ के बदले में। एक बार स्पीड मेरे साथ बोल दो, बाय ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, बाय डिंट ऑफ के द्वारा, इन लीव ऑफ के बदले में, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण से, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, लाफ एट दूसरों पर हंसना, अबस्टेन फ्रॉम परहेज करना, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इंस्टेड ऑफ की बजाय। और इस तरह से आपको पूरा याद करिए, इस तरह से सारे वोकैब आप याद करके आप डेली लाइफ यूज करिए इसको। और एक वर्ड पे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप मेरे साथ प्रॉमिस करिए कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज को कम से कम तो 10 सेंटेंस बनाइए और डेली इसको बोलिए। आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर लोगे। मेरा कहा आप मानते हो, अगर भारत को महान बनाना चाहते हो तो हिंदी बोलना अच्छी बात है, हिंदी जानना अच्छी बात है, ये मातृभाषा है। लेकिन अंग्रेजी जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि ये पर्सनालिटी लैंग्वेज है, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ आपके एग्जाम को पास कराएगा। इसलिए बेहद जरूरी है, इसको करिए और पूरे बच्चों को फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो।